जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। वजन में थोड़े हल्के और छोटे नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है वो दुकानदार ने पॉलिश करते करते मेरे गहनों के सोने पर भी हाथ सफा कर दिया। आज नहीं कल देखती हूँ उसको मैं। मुझे फंसाता है, इतना सुंदर लग रहा है। अरे वाह, आज तो ये गहने वहने पहन रही है। लगता है इसके अंदर की पहले वाली सविता जाग गई है। मानो और अर्चना को भी यहाँ होना चाहिए था। अच्छा खासा नजारा मिस किया दोनों ने। शादी के बाद पहली बार गहनों से लदी हुई देख रहा हूँ तुम्हें। मैं अभी हिसाब किताब कर रही हूँ। शादी के 30 सालों में मुझे क्या मिला? एक बेवड़ा पति, एक विश्वासघात की बेटा और नालायक बहू, और ये गहने जो मुझे थोड़ी सी खुशी देते हैं। हो गया अर्चना, इतने महीनों से हम तीनों को जो काम नहीं हो रहा था ना, वो सोने के गहनों ने किया। आज सविता का ये रूप मैंने कितने महीनों के बाद देखा। अर्चना लगता है ये तेरा आइडिया है। लेकिन हुआ क्या बाबा? सही कहा बाबा, ये जो हो रहा है बिल्कुल अर्चना की वजह से हो रहा है। अभी कुछ देर पहले उसने जो किया है उसी का असर। अच्छा, ऐसा क्या किया अर्चना ने? बाबा अभी कुछ देर पहले मैं एक ज्वेलरी शॉप में गए थे। शुक्रिया अर्चना, सविता के लिए तुम जो भी कर रही हो। सविता ने इस जन्म में कितने अच्छे काम किए कितने बुरे काम किए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में उसके आसपास तेरे जैसे अच्छे लोग उसे मिले हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसे सच्चाई का एहसास नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ उसे बहुत जल्द इसका एहसास हो जाएगा। मैं जानती हूँ बाबा, इसीलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अभी मुझे और मेहनत करनी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आई को जल्द से जल्द ठीक कर ही दूंगी। और इसमें हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। आई ने श्रीखंड पूरी अच्छी बनाई थी ना? आई का खाना वैसे हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। क्यों, ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा के दिन कौन सा ऑफिस खुला होता है? सारे बैंक्स बंद होते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं भी आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। वैसे भी आधे से ज्यादा लोग तो आने वाले हैं नहीं,
तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कुछ प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं? क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ। मैं सोच रहा था कि आज तुम्हारी भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, तो कहीं बाहर चलते हैं घूमने उमने। सतीश, अनाथ आश्रम चले, हम दोनों के पास वक्त है, वहां जाकर वक्त बिताते हैं। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, क्यों ना हम आज एक छोटी सी पिकनिक प्लान करते हैं और उस अनाथ आश्रम के बच्चों को साथ में लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आते कहाँ से? मतलब बचपन से समझदार हूँ। अच्छा चलते। मैं भी चलूंगी। मुझे माफ कर दो वर्षा, अनजाने में मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। न जाने किन किन पिछड़े हुए ख्यालातों में उलझी हुई थी मैं वर्षा। अपना बच्चा, अपना पारस, अपना खून, जिसमें अपने पन का तो नामो निशान नहीं था। सही कहती थी तुम, एक औरत का माँ बनने के लिए उसको बच्चे को जन्म देना जरूरी नहीं होता, बल्कि दिल से दिल का रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी होता है। और ये सब मैंने आज उन बच्चों के बीच रह के महसूस किया है वर्षा। उन बच्चों की मासूमियत, उनका अपना मन, उनकी मुस्कुराहट, ये सब ने मुझे बदल के रख दिया है। वर्षा, मैं तुम्हें और सतीश को इजाजत देती हूँ कि तुम जाके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। जाओ वर्षा। आई थैंक यू। अजीत ने बंदू को हम दोनों के झगड़े के बारे में क्या बताया होगा, लेकिन अगर बताया होता तो वो अब तक कुछ ना कुछ जरूर बोलते। शायद नहीं बताए। मैं क्या करूं, उसको बताऊं कि नहीं? ना बताऊं तो इसमें बंदू का ही नुकसान है, और अगर बता दूं तो हो सकता है पति पत्नी के बीच में कुछ ऊंच नीच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अजीत के बारे में। अजीत के बारे में क्या बात करनी है? दादा, कल मैं और अजीत खरीदी के लिए एक दुकान पर गए थे। वहाँ मुझे एक सलवार सूट पसंद आया जिसकी कीमत 15,000 थी। मैंने सोचा इतना महंगा है तो मैंने खरीदने का इरादा बदल दिया। उस बात को लेकर दुकानदार ने अजीत को बहुत कुछ सुनाया, बहुत उल्टा सीधा कहा। अजीत बहुत हर्ट हुए, उन्हें बहुत बुरा लगा। और फिर शाम को अचानक अजीत ने मुझे वही सूट लाकर वापस दिया। दादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अजीत के पास इतने पैसे आए कहाँ से, और पता नहीं कहीं वो दोबारा से कोई बुरा काम तो नहीं करने लगे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है दादा। वो पैसे मैंने ही उसे दिए थे। वो मेरे पास आया और उसने मुझे इस सब के बारे में बताया, तो मैंने पैसे दिए और मैंने उससे कहा कि हम गरीब रहे कोई बात नहीं, लेकिन पैसे हम भी दे सकते हैं, तू चिंता मत कर। बहुत थैंक गॉड दादा, आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी। चल, मुझे अजीत से बात करनी होगी। गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा उसे। वो इस तरह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आज उसकी जिंदगी उसकी अकेले की नहीं, उसके साथ मेरी बहन की जिंदगी भी जुड़ चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो। ऑल द बेस्ट।
बस मानो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हालत में वो हार चाहिए। मुझे वो हार बहुत अच्छा लगा है मानो। अब आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब और इंतजार नहीं होता मुझसे मानो। प्लीज वो हार मुझे चाहिए। अर्चना मैं भी वो तुम्हें हार देना चाहता हूँ, लेकिन वो हार बहुत महंगा है अर्चना, मैं कहाँ से लाके दूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बस मानो, यही बहाना होता है आपका रोज का, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे जब कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मुझसे शादी क्यों की? इतनी इतनी सी चीजों को भी मुझे रो रो के मांगना पड़ता है। मुझे नहीं पता माना, मुझे वो हार चाहिए मतलब चाहिए। अब वो आप कहाँ से लाते हैं वो आप देखिए। आपकी लाइन है, आपकी लाइन है। वही मैं कह रहा हूँ ना अर्चना, इंसान के जितने बड़े पैर होते हैं उतना ही चादर फैलाना चाहिए। मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ अर्चना? मैं अपनी इच्छाओं को और नहीं मार सकती माना। मैंने कहा ना मुझे वो हार चाहिए, अगर आप वो हार नहीं देगी ना तो मैं खाना छोड़ दूंगी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, मैं तुम्हें हार लाके देता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे सकता अर्चना। मानव प्लीज, मुझे वो हार अभी चाहिए। मैंने वो हार देखा ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाते, लेकिन वो हार मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अर्चना मानव, बंद करो खिचखिच। तुम इस घर का किराया देते हो, इसका मतलब इस घर के मालिक नहीं हो। ये तुम्हारा तमाशा, ये आवाज मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मेरा सच्चू अंदर सोया है, वो जग जाएगा ना तो जाओ, जो भी करना है मेरे घर के बाहर जाके करो। मुझे मेरे घर में शोर शराबा जरा भी पसंद नहीं है, समझे ना? किचकिच किचकिच किचकिच। हाँ ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ओके थैंक यू। आई अभी अकेली है, घर के पेपर्स की बात करने के लिए यही सही मौका है। आई ला मैं करता हूँ। अच्छा मुझे बता, आज त्योहार के दिन तुझे छुट्टी कैसे मिली? वो आई, मैंने 2-3 संडेज को काम किया था तो उसी की छुट्टियां कंपनसेट किया उन्होंने। चलो अच्छा है ना, तो जाओ जाकर आराम करो। क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों है? वो आई, तूने बाबा से घर के पेपर्स की बात की? अरे वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, लेकिन मैंने तुझे कहा था ना तू जाकर बाबा से बात कर ले। मैंने बात की थी आई, पर बाबा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तुम भी ना आओ, ये देखिए ना, विनोद को घर के पेपर्स चाहिए, दे दीजिए ना उसे। देखो सुलोचना, हमारे पास जो घर के पेपर्स है ना, वो फिलहाल कुछ काम के नहीं है। वो क्या है कि गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। जब तक हम ज्यादा पैसे भरकर री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तब तक वो पेपर ना के बराबर है। अगो भाई, तो फिर वो पेपर्स कब मिलेंगे? देखो मैंने वो पेपर्स वकील के पास दिए हैं, अब कितना वक्त लगेगा ये मैं भी नहीं बता सकता। हाँ लेकिन वकील ने मुझसे कहा है जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज है वो जल्द से जल्द पूरी करके वो पेपर हमें लौटा देगा। सुना तुमने? एक काम करना, वकील से पेपर जैसे वापस आ जाएंगे तुम अपने बाबा से ले लेना। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सब क्या है? अच्छा कितने का था? इसकी हार की कीमत अपने 53,000 बताई थी। पैक कर दो। 53,000? इतना महंगा हार किसके लिए खरीदे दादा? बहनी के लिए? आई के लिए। आई के लिए खरीद रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के पैसों को इस तरह खर्च करना दादा, मेरा मतलब है कहीं आगे चलकर कोई नुकसान ना हो। तुझे पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? किसी का भी उसकी आई से दूर रहना, और इस हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान सह रहा हूँ मैं। मैं आई को खुश देखना चाहता, उसने वापस पाना चाहता। ये 53,000 तो हम मेहनत करके वापस कमा लेंगे, लेकिन इस हार को देख के आई जो खुश होंगे ना, उसकी कीमत इस 53,000 से बहुत ज़्यादा है, समझे? अभी चल।
आई आई, तूने तो डरा दिया मुझे। तू तू ऐसा क्यों घूर रही है मुझे? देख रही हूँ तू क्या कर रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। कुछ पूछ रही मैं तुझसे, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने उन लफोंगे दोस्तों के साथ मिलकर कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? क्या बात कर रही तू, मैं कोई गलत काम करूंगा क्या? और उन दोस्तों की तो शक्ल देखी नहीं मैं बरसों से। रहा सवाल उन पैसों का, तो मैंने पैसे मार्केट से ब्याज पे उठाए। ब्याज पर क्यों? एक मिनट, अब मेरे दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है। तूने ये पैसे मानव के लिए तो नहीं उठाए ना ब्याज पर? भाई मानव के लिए क्यों उठाऊंगा पैसे? ये पैसे मैंने अपने लिए उठाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ नया काम शुरू करूँ। नया काम? क्यों? तू नया काम शुरू करने की क्यों सोच रहा है? और तू जो मानव के साथ कर रहा है उसका क्या? भाई वो काम तो चलता रहेगा, लेकिन क्या है ना कि मेरा दिल नहीं लग रहा उस काम में। क्यों? दिल क्यों नहीं लग रहा है तेरा? कहीं मानव से तो तेरा झगड़ा नहीं हुआ ना? अच्छा, तेरी खामोशी का मतलब समझ गई मैं। मैंने तुझे पहले ही बताया था, मानव तेरे लिए सही आदमी नहीं है, तू उसके साथ काम मत कर। देखा, उसका मतलब निकल गया तो तेरा इस्तेमाल करके उसने तुझे फेंक दिया। अब तो तेरी अकल ठिकाने आएगी, है ना? चलो, दुर्घटना से देरी बली। अब तो एक काम कर, इन्हीं पैसों से वही बिजनेस शुरू कर जो मानो करता है, और उससे ज्यादा कामयाब और उससे बड़ा बन के दिखा। उसे दिखा दे अजीत क्या चीज है। अरे रे, अरे मानव के बारे में आई कितना गलत सोच रही है। दरअसल वो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा इंसान है वो। मुझे उससे झगड़ना नहीं चाहिए था। मानव चाहे कैसा भी हो, आखिर वो दोस्त है मेरा। ये क्या कह रहा हूँ मनोज? हाँ माधव, मैंने बहुत सोचा और मेरे सामने इसके सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं है। इस वक्त मेरे घर के जो हालात है उसे देखकर मुझे ही करना ही होगा। तो कुछ भी कर माधव, लेकिन ये नौकरी मुझे दिलाने में मदद कर। मैं तैयार हूँ नाइट गार्ड की ड्यूटी करने के लिए। नहीं, मैं तुझे ये नौकरी करने नहीं दूंगा। जरा अपने आप को देख, अरे ये उम्र तुम्हारी नौकरी करने की नहीं है। ऊपर से इतना हक्टिक काम, रात भर जागना, सर्दी गर्मी बरसात में घूमना, नहीं मैं तुझे ये काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। बात को समझा कर माधव, बात को समझ। ये नौकरी अगर मैं नहीं करूंगा ना तो मेरे घर के हालात और बिगड़ जाएंगे। वैसे भी मेरे बेटे की नौकरी चली गई है। एक बेटी को मजबूरन ससुराल छोड़कर मैं क्या आना पड़ा है? इस महंगाई के दौर में पेंशन में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, कुछ नहीं होता। जिम्मेदारियां हजारों है, लेकिन जिम्मेदारियां उठाने वाले हाथ नहीं है। घर का हेड होने के नाते मुझे करना ही होगा माधव। देख, मैं तुझ पर कोई दोष नहीं आने दूंगा, मैं खुद का भी ख्याल रखूंगा। कुछ भी कर, लेकिन मुझे नौकरी दिला दे प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज। ठीक, मैं आज ही बात करता हूं। थैंक यू माधव। देख, दोस्त के नाते मैं तुझे विनती करता हूं, इस बात का पता मेरे घर के किसी भी सदस्य को चलना नहीं चाहिए। लेकिन रात की नौकरी है, घर वालों को बिना बताए कैसे मैनेज करोगे? मैं कर लूंगा माधव, मैं मैनेज कर लूंगा, बस मुझे नौकरी दिला दे। ठीक, मैं चलता हूं।
आई तो यहाँ बैठ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। ये हार निकालो ना, मस्त है। लीजिए। वाह, कितना है कीमत इसकी? इसका कीमत है 55,000। हाँ। पर अभी गोड़ी पड़वा चल रहा है ना, तो इसकी कीमत 2,000 कम करके 53,000 में दे देगा। लेना है? हम एक दूसरे के सहारे।